हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत आईटीआई जॉब में। देश के सभी युवा को इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। तो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की ओर से गवर्नमेंट जॉब है, ठीक ना, परमानेंट जॉब रहेगा। जो भी कैंडिडेट डिप्लोमा बीबीटेक किए हैं, ठीक ना, सिविल वाले को छोड़कर बाद बाकी सभी लोग के लिए वैकेंसी निकाली गई है। लेकिन ये जो मैं पीडीएफ दिखा रहा हूँ आप लोगों को, बस एमबीए एमबीए जो भी मार्केटिंग से रिलेटेड है उन लोगों का ये पीडीएफ है, लेकिन सबके लिए वैकेंसी आउट किया गया है। जैसे कि डिप्लोमा किए हैं, बीबीटेक किए हैं, डिग्री धारक है, एमबीए एमबीए किए हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट से किए, फाइनेंस से कोई भी डिग्री है, तो एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की ओर से एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग चैम्बर मुंबई से वैकेंसी निकाली गई है। आप लोग एडवर्टाइजमेंट नंबर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड RCFLTD इन्हीं को बोला जाता है, इज ए लीडिंग प्रॉफिट मार्केटिंग कंपनी इन ए बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैविंग रेवेन्यू फ्रॉम यहाँ पे ऑपरेशंस ऑफ अराउंड, मतलब इतना लाख द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ द महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में रीजनिंग यहाँ पे है। तो ये वैकेंसी जो निकाली गई है परमानेंट जॉब रहने वाली है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा अपना अपना, ठीक ना, कि आप लोग कौन सा डिग्री कर रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए टोटली आप लोग का यहाँ पे सीट आप लोग का सिर्फ इसमें जो मार्केटिंग के लिए निकाला गया है, बी एम बी ए किए हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे 18 सीट है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं सिंधे क्वालिफिकेशन, ठीक ना, यहाँ पर बोला गया है कि क्वालिफिकेशन रेगुलर है एंड फुल टाइम UGC, मतलब क्या होता है, ये अप्रूव्ड होता है AICTE या ICAR रोगनाइज साइंस इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ऑफ मिनिमम 3 या 4 ईयर वाला कोर्स किए एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए। ध्यान से सुनना, कुछ पद ऐसे निकाले गए हैं, ठीक है, यहाँ पे MBA किए हो, MMS किए हो, MMS किए हो मार्केटिंग एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ मजोर, ठीक है, MBA किए हो, MBA किए हो, एग्रीकल्चर से किए हो, मैन्युफैक्चरिंग से, मैनेजमेंट से किए हो, कोई भी दिक्कत नहीं है एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। और भी यहाँ पे देखो डिप्लोमा उप्लोमा किए हो, सभी लोग एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टू ईयर फुल टाइम रेगुलर से UGC या AICTE द्वारा अप्रूव होना चाहिए, MBA किए हो, ठीक ना, या एग्रीकल्चर से बिजनेसमैन से किए हो, डिप्लोमा कीजिए, ग्रेजुएट किए हो, एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए, ओके। बहुत सारा और करके बहुत सारा दिया गया, आप लोग डिटेल में इसको पढ़ लेना, परसेंटेज भी दिया गया। और आप लोग यहाँ से ध्यान सुनना, सिविल वाले के लिए यहाँ पे वैकेंसी नहीं निकाली गई है, ठीक ना, बहुत सारा PDF है के लिए वैकेंसी निकाली गई है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सभी लोग के लिए वैकेंसी निकाली गई है, बल्क मात्रा में वैकेंसी निकाली गई। आप लोग अपना अपना देख लेना क्या आप लोग कर रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा सिलेक्शन प्रोसेस पर आइए, SC ST PWD कैंडिडेट, जैसे कि टर्म एंड कंडीशन सेंटर लेवल वाला, ठीक है, 3 साल 5 साल 10 साल, तो आप लोग को देख वही सब चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगा, छूट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आप जैसे आइएगा तो यहाँ पे ये स्टेबलेट जो किया गया वो सब चीज़ दिया गया, फीचर दिया गया, वो सब टर्म एंड कंडीशन, फी आप लोग को ₹1000 देना होगा, ठीक है। OBC कैंडिडेट को फी नहीं देना है, एक सर्विस में PWD एक सर्विस मैन है उन लोगों को फी नहीं देना, लेकिन आप लोग OBC या EWS या जनरल से बिलोंग करते हैं तो आप लोग को ₹1000 आप लोग को पे करना होगा, ओके। उसके बाद से यहाँ पे दिया गया कि डेट सिलेक्शन प्रोसेस पहले आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे सैलरी बहुत ही अच्छा खासा मिलेगा, देख लीजिए आप लोग का सैलरी, आप लोग का परमानेंट जॉब रहेगा, यहाँ पे 40,000 से लेकर 1,40,000 के बीच में आप लोग को पर मंथ दिया जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, ठीक है। और भी चीज़ मतलब जो भी होते हैं अलाउंसेंस और फैसिलिटीज़ जो होती है आप लोग को ऐड हो जाएगा, तो कम से कम 50+ में आप लोग चल जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लेना सिलेक्शन प्रोसेस, आप लोग देख लो, ठीक है। आप लोग का यहाँ पे जो सिलेक्शंस होगा तो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो एग्ज़ाम होगा आप लोग का, तो 100 मार्क्स का रहेगा, जो कि आप लोग का यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग जो आप लोग का सेंटर यहाँ पर दिया गया वो चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, ऑनलाइन टेस्ट एलिजिबल विद रिक्वायर्ड अपेयर्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आप लोग का उसी टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, इन्फॉर्मेशन फॉर द विच विल बी द प्रोवाइडेड, ठीक ना, इन एडमिट कार्ड। उसके बाद से यहाँ पे दिया गया सेंटर उन्टर दिया गया, पूरा इसको पढ़ लीजिएगा, ओके। उसके बाद से आप नीचे आइएगा, स्क्रॉल करता हूँ तो और क्या क्या दिया गया आप लोग के लिए, और कुछ दिया नहीं गया, लेकिन आप लोग का यहाँ पे अब लास्ट डेट दिया होगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस पहले आप लोग समझ लीजिए, सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला कि भैया आप लोग का 100 मार्क्स होगा टोटली, ठीक है, 100 मार्क्स में आप लोग का 80 आप लोग जो भी आप लोग का ट्रेड होगा ना, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल से किए हो, MBA किए हो, या चार्टर्ड अकाउंटेंट किए हो,
उसी के रिलेवेंट फील्ड में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, 80 जो कि क्वेश्चन रहेगा वो नंबर ऐड होगा। उसके बाद से पर्सनल इंटरव्यू होगा, वो 20 नंबर आपको ऐड होगा। उसके बाद से आप लोग का मेरिट लिस्ट लगा दिया जाएगा, जिसका हुआ वो लगा कर बता दिया जाएगा भैया कि आप लोग का हो गया, आप आइए, ठीक है। आप लोग को मेल कर दिया जाएगा, यही पूरा है। आप लोग यहाँ पर आप डेट देख लीजिए, आप लोगों का पूरा यहाँ पर सब चीज़ यहाँ पर देख लीजिएगा, क्या क्या अपलोड करना वो सब चीज़ें, पासपोर्ट साइज़ आप लोग का वो होना चाहिए, लेटेस्ट वाला आपको फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज साइज़ कितना कितना केबी का होना चाहिए, वो सब चीज़ें का सिग्नेचर होना चाहिए, हाई स्कूल 10th पास जो भी कैंडिडेट हैं वो सब अपना लगाना, एक्सपेंस वक्सपेंस होगा सब चीज़ लगाना, ठीक है। लास्ट डेट आप लोग देख लीजिए, लास्ट डेट हम लेकर चलते हैं आप लोगों को, लास्ट डेट कब है देख लीजिए। लास्ट डेट आप लोग का 9/1/2023 से आप लोग एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए 29/1/2023 मतलब कि 5 बजे तक आप एलिजिबल हो लास्टली फॉर्म को भरने के लिए। ऑनलाइन फॉर्म भरना, ऑफलाइन नहीं फॉर्म भरना, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है फॉर्म को जरूर ट्राई करना, सैलरी बहुत अच्छा खासा मिलेगा, फैसिलिटी भी अच्छा खासा मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग BBTech किए हैं, डिप्लोमा किए, ITI किए, जो भी किए हैं, एक्सपीरियंस है, तो वो सब चीज़ कमेंट में आप लोग करके बताइएगा कि क्या आप लोग का क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है। मैं उसी के रिलेवेंट फील्ड में आप लोग को जब वैकेंसी आएगी तो उसके रिलेवेंट फील्ड में आप लोग को जॉब में वीडियो बनाकर आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।